हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक और अच्छा सा स्नैक, ब्रेकफास्ट कह लीजिए या टिफिन में देना है तो उसके लिए आप रेसिपी कह लीजिए, वो लेकर आए हैं। तो मैंने, आप बासी रोटी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ये रोटी बनाई है और थोड़ा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया है। तो दो रोटी से मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने तीन रोटी ली है, चीज स्लाइस लिए हैं मैंने, और ये एक उबला हुआ आलू जिसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं। आप अपने जितनी क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप फिलिंग कर सकते हैं। एक टमाटर के स्लाइस कर लिए हैं, एक प्याज के मैंने लच्छे बना लिए हैं, थोड़ा लिया है हमने चाट मसाला, हरे धनिए की चटनी है, और ये टोमेटो केचप है, सॉस ली है, नमक है। तो अब हम ये सारा असेंबल करते हैं। थोड़ा सा हम घी लेंगे और जो चीज जलती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले ली है हमने चपाती, और ये मेरी किचन की कैंची है। आप ये मत सोचिए कि आप पिज्जा कटर से भी कट कर सकते हैं, बट मैं ये चिली वगैरह के लिए यूज करती हूँ। इतना हम ऐसे कट लगाएंगे इसमें, और सबसे पहले रखेंगे हम चीज स्लाइस। चीज स्लाइस को मैं ऐसे तिकोना कर लूंगी और इसको ऐसे रख लेंगे हम इसके ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। वैसे नमक ऑलरेडी इसमें होता है तो बहुत ही कम आपको डालना है। और थोड़ा आप डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चटनी भी स्पाइसी है। इसको हम करेंगे ऐसे फोल्ड, ये इस टाइप से, और इसका चीज जो है ना वो आप अंदर की तरफ कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा अंदर मोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप इसको सेकेंगे ना तो ये बाहर निकल जाएगा। इसको ऐसे मोड़ लिया हमने, और अब हम लगाएंगे इसमें टोमेटो केचप। एक बार इसको अच्छे से ऐसे फैला लेंगे, और इसके ऊपर रखेंगे हम टोमेटो स्लाइस। थोड़े अनियन रिंग्स, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो पहले से जो आपने स्लाइस काट के रखे हैं उन पर डाल सकते हैं पहले से लगाकर, ताकि वो और आसान हो जाए बनना। और इसको फिर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, थोड़ा ध्यान से फोल्ड करेंगे, और यहां पर लगाएंगे अब हम हरी चटनी, जो स्पाइसी सी हमारी बनी हुई है। बहुत अच्छा लगेगा ये, बच्चों को खिलाकर दिखाइएगा, बहुत खुश होंगे वो ये नई तरीके से इस तरह से रोटी खाकर। और इसमें सब कुछ जो चटनी सॉसेज हमने लिए ना, सब घर पर बनी हुई है। और अब हम ऑयल, ये आलू लगाएंगे इसके ऊपर, उबला हुआ आलू रखेंगे, इस पर भी नमक डालेंगे, थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला आप अच्छे से डालिए, और इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। देखिए ये चारों तरफ से फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें ना हल्का सा घी लगाएंगे ऊपर से, घी बटर जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पैक हो गया है, और अब हमने टोस्टर को गर्म कर लिया है, ये पहले से गर्म कर दिया है। इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं हम, और ये देखिए, ये देखिए ऊपर से ये मार्क आ गए हैं, और आपका ये बहुत ही यमी, ये जो आपका सैंडविच कहिए, चपाती वाला या जो भी ब्रेकफास्ट कहिए, ये बहुत अच्छा सा बन के तैयार है। आप कितना क्रिस्पी करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, और मैं आपको बैक में से भी दिखा दूं इसके, ये देखिए। आप और क्रिस्पी करना चाहें तो और कर सकते हैं। और ये देखिए इसी तरह हमने दूसरा भी बना लिया है, इसको हमने और अच्छे से मार्क आने दिए हैं, और आप देखिए कितना यमी सा ये बनकर तैयार है सैंडविच हमारा। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, बहुत गर्म है, और ये देखिए क्या लाजवाब ये बनकर तैयार हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और खाने में तो बहुत टेस्टी हैं। यानी ये एक लेयर चीज की है अंदर,
एक ये बॉइल्ड पोटैटोज की है, टोमेटो की है, देखिए है ना यम्मी। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बच्चे बड़े सब लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।